आज भी पृथ्वी पर जिंदा है श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा। दोस्तों, खुद देवी योग माया सुभद्रा के रूप में श्री कृष्ण की बहन बनकर धरती पर प्रकट हुई थी। महाभारत युद्ध में अपना बेटा अभिमन्यु खोने के बाद देवी सुभद्रा का क्या हुआ, इसे लेकर कई मत हैं। महाभारत युद्ध के कई सालों बाद तक सुभद्रा अभिमन्यु की पत्नी और अपनी बहू उत्तरा के साथ राजमाता के रूप में इंद्रप्रस्थ में रही। एक मत के अनुसार जब पांडव अपना सिंहासन परीक्षित को देकर द्रौपदी संग स्वर्ग यात्रा पर निकले, तब सुभद्रा और उत्तरा ने भी परीक्षित गढ़ के पास गंगा नदी में जल समाधि ली थी। दूसरे मत के अनुसार सुभद्रा ने उत्तरा संग राजस्थान के धूम्र पर्वत पर समाधि ली थी और यहाँ आज भी माँ सुभद्रा का मंदिर है। पर एक मत ये भी कहता है कि सुभद्रा देवी आज भी जीवित है। जब श्री कृष्ण के दिल को ओडिशा में जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित किया गया था, तब सुभद्रा जी भी उनके साथ जगन्नाथपुरी में आकर रहने लगी थी। यानी देवी सुभद्रा ने अपनी महाभारत कालीन मानव लीला खत्म करने के बाद भी कभी पृथ्वी को छोड़ा ही नहीं था।